हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसे कि ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन कहते हैं। इसके ये शेप के कारण इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कैंपस रेडिकन्स है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, इसमें एक फ्लावर में ही कई कलर्स देखने को मिल जाते हैं, रेड से ऑरेंज और बीच में येलो सा भी दिखता है। ये एक पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है। पेरेनियल का मतलब ये प्लांट तो सारे साल ऐसे ही रहता है, फ्लावरिंग जो है ये सीज़न आने पर ही शुरू होती है। इस ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन में गर्मियों के सीज़न में यानी कि अप्रैल से फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं और सारी गर्मी फ्लावर्स आते रहते हैं। जब सर्दी का सीज़न शुरू होता है तब जो है फ्लावर्स आना बंद हो जाते हैं, उस समय ये प्लांट अपने रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। दोस्तों, इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। इस प्लांट को फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। वैसे इसको हल्के शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिक फ्लावर्स पाने के लिए फुल सनलाइट में ही रखें इसको। ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन की वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, ये सूखे एरिया में भी सरवाइव कर जाता है। इस फास्ट ग्रोइंग प्लांट को हम लोग किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, लेकिन सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि पानी बह जाए, जड़ों में बिल्कुल ना रुके। और इसे ज़्यादा अच्छी फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ इसमें कर दिया तो समझिए कि लीव्स तो बहुत आएंगी लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग कम हो रही हो तो इस बात का ध्यान दें कहीं आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो नहीं डाल रहे हैं। दोस्तों, इस लो मेंटेनेंस प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करें, और वो भी स्प्रिंग सीजन में यानी 15 फरवरी के बाद। प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है इस प्लांट के लिए, क्योंकि प्रूनिंग के बाद न्यू शूट्स निकलेंगी और उन्हीं न्यू शूट्स में फ्लावरिंग होगी। अगर किसी कारणवश स्प्रिंग सीजन में इसकी प्रूनिंग ना कर पाए हों तो फिर उस साल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर जो थोड़ी बहुत न्यू शूट्स डेवलप होंगी तो हो सकता है आप बाद में उन्हीं न्यू शूट्स को काट दें। दोस्तों, इस वाइन को जो है क्लाइंबर बनाना ज़्यादा ठीक रहता है। वैसे बेसिकली तो ये एक क्रीपर है, लेकिन अगर इसे ज़मीन में छोड़ दिया जाए तो ये सब जगह बहुत तेज़ी से फैल जाती है, बिल्कुल वीट की तरह। तब इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको कई लोग इन्वेसिव प्लांट भी बोलते हैं। क्रीपर के रूप में इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन में कीड़े मकोड़े भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी इसको मिलता है। इस प्लांट को जो है घर में अगर वॉन्ड्री वॉल में लगा चढ़ा दिया जाए, पोल्स में, परगोलास के ऊपर चढ़ा दें, तब इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। वॉन्ड्री वॉल के ऊपर डालने पर ये एक कर्टेन का काम करती है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो प्रोपोगेशन है वो जो है तीन ढंग से होता है, सीड से भी होता है, कटिंग से भी होता है, एयर लेयरिंग से भी होता है। सीड्स तो जो हैं ये फ्लावर्स जब सूख जाते हैं तो इन्हीं के बेस में बनने लगते हैं फलियां टाइप की, ग्रीन कलर की, जैसे बीन्स में और या फिर पीज में फली होती है वैसे ही होते हैं। ये अधिकतर विंटर के समय हमने देखा है, इस समय तो हमें दिखती नहीं है इसमें। तब वो जो पॉड होते हैं उनको तोड़ लिए जाएँ ब्राउन होने पर और उसको स्प्रिंग सीज़न आने पर बो दिया जाए। लेकिन हमें सीड से लगाना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि सीड से अगर लगाया तो काफ़ी दिन बाद इसमें जो है काफ़ी सालों बाद इसमें फ्लावरिंग आती है। इसलिए इसको एयर लेयरिंग से करना सबसे बढ़िया रहता है, या फिर आप कटिंग लगा दो। उसका हो सकेगा तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने फरमाइश करी थी फ्लेम वाइन की केयर इंस्ट्रक्शंस पर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, वो फ्लेम वाइन जो है वो इसी की एक वैरायटी है और दोनों के केयर इंस्ट्रक्शन सेम ही हैं। तो दोस्तों, उनको देख करके, वो अगर आप देख रहे होंगे तो आप ये भी जान जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं। इस प्लांट को कंटेनर में भी ग्रो हो सकता है, लेकिन बड़े साइज़ का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।